आज हम पाई का मान ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमको 29 बच्चों की जरूरत पड़ेगी जो बिल्कुल एक ही कक्षा के हों। आपने देखा कि 22 बच्चे गोले की परिधि में बैठे थे और 7 बच्चे उसके व्यास में बैठे थे, यानी परिधि और व्यास का जो अनुपात है वो 22/7 यानी पाई होगा।